हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पोको M2 प्रो डिवाइस में एंड्रॉइड 12 बेस्ड MIUI 13 का ऑफिशियल अपडेट बहुत जल्दी इंडिया में रोल आउट होने वाला है। कब तक देखने को मिलेगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इस MIUI 13 अपडेट का यहाँ पे वर्जन एंड साइज क्या देखने को मिलेगा और इस न्यू अपडेट के बाद पोको M2 प्रो डिवाइस में क्या कुछ नए फीचर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स हमें यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलेगा, साथ ही इस अपडेट को आप अपने डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करोगे, तो ओवरऑल इन सभी के बारे में आगे वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। दोस्तों, पोको M2 प्रो डिवाइस में पोको की तरफ से MIUI 13.0.1.0 या फिर MIUI 13.0.2.0 का इनमें से कोई भी न्यू वर्जन बहुत जल्दी इंडिया के अंदर रोल आउट होने वाला है। एंड साइज की बात करें तो यहाँ पर ये अपडेट एंड्रॉइड 12 के साथ में आएगा, तो करीब करीब 2 GB से ऊपर ही देखने को मिलेगा और ये अपडेट आपको अक्टूबर के एंड तक देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आप लोग अपने डिवाइस में इस न्यू अपडेट को इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके डिवाइस के सिक्योरिटी में सेप्टेम्बर या फिर अक्टूबर के मंथ का लेटेस्ट यहाँ पे सिक्योरिटी पैच को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे एंड्रॉइड 12 अपडेट के बाद न्यू साइडबार का फीचर को प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली इसे आप जैसे ही इनेबल करेंगे तो आपके डिवाइस के होम स्क्रीन में आप कोई भी ऐप को फ्लोटिंग विंडोज पर ओपन कर सकते हो। साथ ही दोस्तों, पोको M2 प्रो डिवाइस के लुक्स को एंड्रॉइड 11 को पूरी तरह से चेंज कर दिया जाएगा। एंड्रॉइड 12 का न्यू लुक्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, UI को पूरी तरह से यहाँ पे न्यू लुक दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके डिवाइस में MIUI 13 का न्यू कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा और इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बैटरी का, वाईफाई का, डाटा का और भी काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, तो आपके डिवाइस के सिस्टम के सिक्योरिटी को इस न्यू अपडेट के बाद और भी ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा। साथ ही सिस्टम में ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम परफॉर्मेंस, तो दोस्तों इस MIUI 13.0.1.0 या फिर 13.0.2.0 एंड्रॉइड 12 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस के परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाएगा। तो डेली टास्क में, मल्टीटास्किंग में या फिर गेमिंग में या फिर ऐप ओपन क्लोज में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे इस न्यू अपडेट के बाद गेमिंग सेक्शन में भी ऑप्टिमाइज्ड किया जाएगा, तो यहाँ पर गेमिंग में पहले के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको पोको M2 प्रो डिवाइस में करीब करीब ये सारे फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स आपको पोको की तरफ से देखने को मिलेगा। यहाँ पे और भी कई सारे फीचर्स ऐड हो सकते हैं, वो जैसे ही अपडेट आता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है क्योंकि हमारे चैनल में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस ही देखने को मिलते रहते हैं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कि इस न्यू अपडेट को आप अपने डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करोगे। तो सिंपली दोस्तों, आपको अपने डिवाइस के सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है, फिर अबाउट फोन में चले जाना है एंड लास्ट में आपको वहाँ पे वर्जन चेकआउट कर लेना है। वहाँ पर आपको MIUI 13.0.1.0 या फिर MIUI 13.0.2.0 का न्यू वर्जन देखने को मिलेगा एंड सिंपली आपको इस न्यू अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, बस यही सभी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आई थी जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया हूँ। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों, आप चाहे तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।